हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर उदयपुर। और अभी सीरीज चल रही है पूरी सिलेबस अपडेशन की। मैंने लास्ट टू वीडियोस कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बनाई थी, जिसमें अकाउंटेंसी और मैंने इको का सिलेबस बताया था, जो अभी 2023 और 2024 वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, 23 एंड 24, कि क्या क्या कोर्स जो है, क्या क्या अपडेशन हुए थे, क्या चीज ऐड हुई, क्या चीज डिलीट हुई, वो सब मैंने बताया। तो वंस अगेन आज मैं बात करने वाला हूं 12th मैथ्स के सब्जेक्ट की, कि 12th मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्वेश्चंस या कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है या कौन सी एक्सरसाइज में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं और क्या मार्किंग स्कीम है, उसके लिए मैं बात करूंगा। सबसे पहली बात तो जिन बच्चों को न्यू एनसीईआरटी की बुक मिल गई है, वो अपडेटेड बुक है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं, आपको वही पढ़ना है, वही कंप्लीट न्यू सिलेबस है। लेकिन जब मैं बात करूं जिन बच्चों को या तो पुरानी बुक मिली है या उन्होंने किसी फ्रेंड से पुरानी बुक ली है, उस केस में क्या क्या अपडेशन हुआ, कौन कौन सी चीजें हमें रिमूव करनी है, डिलीट करनी है, वो सब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मार्किंग स्कीम की, तो आपकी बुक के अंदर यूनिट नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th 6 यूनिट है, और 6 यूनिट के अंदर पहले यूनिट में आ रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपका 8 मार्क्स का है। देन उसके बाद सेकंड यूनिट है आपके एलजेब्रा, जो आपके 10 मार्क्स का है। कैलकुलस जो है आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, वो आपका 35 मार्क्स का है। देन उसके बाद वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल जो है आपका, वो 14 मार्क्स का है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो अपन एलपी जिसको बोलते हैं, वो 5 मार्क्स का है। और प्रोबेबिलिटी जो है वो 8 मार्क्स ही, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वो 10th में भी पढ़ी, 11th में पढ़ी और 12th में भी आपका है। तो ये आपकी मार्किंग स्कीम में कोई चेंज नहीं हुई है। लेकिन जो चीजें, जो चेंजेस हुए हैं, वो आपकी जो भी चेंजेस मैं आपके लिए बता रहा हूं, वो सब पुरानी बुक में करना है। नई बुक में जो आने वाला है, जो 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 आपका कोर्स न्यू सिलेबस है वही है, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करनी है। ये सब पुरानी बुक के अकॉर्डिंग में चेंज करा रहा हूं। कि जब अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, तो एक्सरसाइज 1.3, 1.4 आपके डिलीट हो चुकी है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19 ये वाले आपके क्वेश्चन अब नहीं है। इसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपके कोर्स में अभी भी है। चैप्टर 2 की बात करें अपन, दैट इज यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 2.2, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 13, 14, 15 ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 12 अब आपके लिए अवेलेबल नहीं है। फिर हम लोग बात करें चैप्टर 3 मैट्रिक्स की, जिसके अंदर एक्सरसाइज 3.4 अब आपके कोर्स में नहीं है, वो डिलीट हो चुकी है। एंड देन मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 12 अब ये आपको नहीं पढ़ना है। देन मैं बात करूं चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स की, एक्सरसाइज 4.2 और मिसलेनियस के अंदर 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 17 ये अब आपके कोर्स में नहीं है। देन हम उसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड साथ साथ में डिफरेंशिएबिलिटी, उसके लिए इसमें एक्सरसाइज नंबर 5.8 और मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो अब अपने पास, वो आपके कोर्स में नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 अब डिलीट हो चुकी है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24 ये अब आपके कोर्स में नहीं है। देन बात करूं मैं यहां पर चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंटीग्रल, और जिसमें एक्सरसाइज 7.8 अब आपके अवेलेबल नहीं, मतलब आपके कोर्स में नहीं है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19, 32, 40, 44 ये नहीं है। चैप्टर 8 में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के अंदर एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आपके कोर्स में नहीं है। और एक्सरसाइज 8.2 के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज 8.2 भी आपके कोर्स में नहीं है। और मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 और 19 ये आपके कोर्स में नहीं है। अब डिफरेंशियल में हम बात करूं डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशियल इक्वेशंस की,
एक्सरसाइज 9.3 अब आपके कोर्स में नहीं है, ये डिलीट हो गया है आपका, और मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 15। वेक्टर एलजेब्रा में कुछ भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज है आपका। अब बात करते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर, एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 रिमूव हो चुका है, एक्सरसाइज 11.3 रिमूव हो चुकी है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 एंड 23, बीच का 20 आपके कोर्स में है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चैप्टर नंबर 12 एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग, एक्सरसाइज 12.2 आपके कोर्स में है, और मिसलेनियस जो एक्सरसाइज की बात करूं तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन उसका नहीं, पूरी पूरी डिलीट आपकी हो चुकी है। एंड देन चैप्टर नंबर 13 आपका प्रोबेबिलिटी, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 13.4 आपके कोर्स में अब नहीं है, एक्सरसाइज 13.5 आपके कोर्स में नहीं है, और मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 9, 10 एंड 11 ये भी आपके कोर्स में अब नहीं है। तो ये मैंने चेंजेस जो आपको बता दिए हैं, दोबारा रिपीट करूंगा, ये सब चेंजेस नई बुक के अंदर नहीं है, ये सब चेंजेस पुरानी बुक में है, जिसके पास नई बुक मिल गई है वो नई बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना, वो पूरा सिलेबस न्यू अपडेटेड ही है, पुरानी बुक की जिसके पास है उसको ये चेंजेस करने। तो बच्चों ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी, तो आप अपने कोर्स मटेरियल को जो भी है वो आपको अपडेट करना है वो कर लें, और बहुत जल्दी मेरी ऑनलाइन वीडियोस आने वाली जिसके अंदर आप अपनी पढ़ाई को भी स्टार्ट कर सकते हैं। विद दैट थैंक यू सो मच, आपका अपना अविनाश है।